फ्रेंड वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। फ्रेंड इस वीडियो में देखने वाले थे सीजीएल 2020 का जो टीयर वन है उसका हम साथ मार्च के सारी शिफ्ट है जिनके जीके जीएस के क्वेश्चन जो है देखने वाले 71 के लगभग क्वेश्चन हैं और इन सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सारी शिफ्ट हैं जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन आज आए हुए हैं। ठीक है, तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी ये देखिए ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो आपके द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, और रीचेक मानी कि डबल चेक के बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ आपको, इसलिए थोड़ा लेट मिल रही वीडियो। ठीक है, और फ्रेंड जितने भी स्टूडेंट हैं या फिर आने वाली आपकी शिफ्ट है या फिर आपका एग्ज़ाम हो चुका है इसमें से कुछ क्वेश्चन छूटे हैं या फिर कुछ चेंजेस है क्वेश्चन में तो मुझे जरूर बताइएगा। और मैंने पोल डालता हूँ सुबह सुबह 8 बजे जो है मैं पोल डालता हूँ, आप जाकर देखेंगे कम्युनिटी टैब पर तो आपको एक पोल मिलेगा, वहाँ पर जाकर कमेंट जरूर करिएगा कि ये क्वेश्चन आया था मेरी शिफ्ट में, ये वाला क्वेश्चन आया था। ओके, और हाँ अभी से भी मैं कल सुबह एक पोल डालूंगा जिसमें आपको बताना है कि एवरेज अटैम्प्ट कितने हो रहे हैं, किस तारीख को हो रहे हैं, तो ये भी कमेंट बॉक्स में एक पूरा हम करेंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पर कमेंट करेंगे उतने ज़्यादा एक्यूरेसी से हम देख पाएंगे कितना एक्चुअल में स्टूडेंट जो है अटैम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। देखिए यहाँ पर आपको 2020 का एग्ज़ाम है, यहाँ पर लगभग मिलाकर जो है 22 देखिए फर्स्ट शीट में है, बाकी और भी क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन 71 के लगभग है। देखिए पहला क्वेश्चन है वीज़ा कार्ड की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वीज़ा कार्ड जो है उसके अभी फ़िलहाल में ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वेंकटा सिंधु जो है इसके अभी ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगर बात करें इससे पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन थे तो मास्टर कार्ड की, देखिए और देखिए ये वीज़ा कार्ड है और अगर मास्टर कार्ड की बात करें तो मास्टर कार्ड के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है MS धोनी। ठीक है, ओके, और अगर बात करें इससे पहले कौन थे इस ब्रांड एम्बेसडर 2017 में इरफान खान थे। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर थे मास्टर कार्ड के, ठीक है, जो कि भारत के पहले ब्रांड एम्बेसडर थे। अगला क्वेश्चन है शिवाजी महाराज के दरबार में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था, तो मंत्रिपरिषद को कहा जाता अष्ट प्रधान, क्या कहा जाता अष्ट प्रधान कहा जाता। मराठा राज्य में संस्थापक शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद थी। ओके, यह प्रशासन को चलाने में जो मराठा साम्राज्य की सहायता करती थी। ओके, आगे देखेंगे बांग्लादेश से कौन से राज्य जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर मणिपुर ऑप्शन था, एक ऑप्शन था मणिपुर, ये पता है कि इसमें ऑप्शन भी था मणिपुर का, तो यहाँ पर मिजोरम दिया है वो बिल्कुल सही था जो करता है। ठीक है, 4156 किलोमीटर साझा करता है हमारे साथ में बांग्लादेश। ठीक है, ओके, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर। ठीक है, तो यहाँ पर मिजोरम दिया है। ठीक है, ओके, मणिपुर नहीं है, मेघालय, मणिपुर तो ऑप्शन में था जो कि आंसर गलत था, वहाँ पर ऑप्शन लगाना था मणिपुर। ठीक है, अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल हमारे साथ में किस कौन कौन सी, जहाँ पर देखिए नेपाल के साथ जो है आप जो है देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार की जो है राज्य की सीमाएँ यहाँ पर जो है हमारे टच होती हैं। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि पाकिस्तान कितनी राज्य जो है हमारी सीमा जो है उससे लगती है। ओके, चलिए अगला है BCCI द्वारा CK नायडू अचीवमेंट अवार्ड 2018-2019 जो है किसे दिया गया, तो ये किसे दिया गया, ये दिया गया कृष्णमाचारी। ठीक है, कृष्णमाचारी को दिया गया। ठीक है, ये जो अवार्ड है, ओके, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है। ओके, BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें वो दिया वुमेन की बात करें तो वो दिया गया अंजुम चोपड़ा को। ठीक है, और 2018-19 में जो है टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए दिलीप सिसोदिया जो सॉरी सरदेसाई को जो है अवार्ड दिया गया था, सरदेसाई अवार्ड दिया गया था जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, ये अवार्ड ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये अनुच्छेद देखिए आ ही रहे हैं। ठीक है, एक अनुच्छेद आपसे पूछा जा रहा है तो 25 से 28 के बीच में संविधान 25 के अनुसार देखें तो भारत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने का आचरण करने तथा धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। 26 की बात करें धार्मिक कार्य में प्रबंध की स्वतंत्रता है। 28 में कुल शिक्षा और संस्थानों के धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना की उपस्थिति होने के बारे में सुनता है। ओके, पहली बार संविधान संशोधन कब हुआ था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन आएगा। इसे संसद में तत्कालीन भारत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो है 10 मई 1951 को पेश किया था, 18 जून 1951 में इसमें जो संशोधन हो गया था। ठीक है,
ओके इसके पास संशोधन हो गया। और पहला संशोधन की बात करें तो इसमें 1951 इसके माध्यम स्वतंत्रता समानता एवं संपत्ति के संबंधित मौलिक अधिकारों को जो है लागू किए जाने का जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था। आगे देखेंगे विंस वाइस एंड अदरवाइज नाम की पुस्तक जो है किसने लिखी, ये लिखी सुधा मूर्ति ने। अगला क्वेश्चन है रोहतांग दर्रे के नीचे बनी सुरंग का नाम क्या है, तो इसका नाम है अटल सुरंग, ठीक है, जो कि 25 दिसंबर 2019 को श्री जो वाजपेयी हैं, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उनकी जयंती के अवसर पर जो है अवसर पर दी गई था। और रोहतांग दर्रे के नीचे बनी जो बनी है लेह बनी लेह और मना जो मनाली को जोड़ने वाली समरिक सुरंग जो है स्वामी जो समरिक सुरंग है। और रोहतांग दर्रा जो है कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ओके एटीएम में टी का फुल फॉर्म पूछी थी, ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। दर्रा आपसे पूछा था, देखिए एक दर्रा पूछा था, दर्रे को सुमिलित करना था, तो यहाँ पर आपको देखिए ये दर्रे मैंने कुछ लिखे हैं, नाथुला जो है सिक्किम में है, फोटोला दर्रा जो है लद्दाख में है, बोमडीला जो है अरुणाचल प्रदेश में, और ये बनीहाल जम्मू कश्मीर में, लेपू लेक उत्तराखंड में, रोहतांग बताई दिया हमारा हिमाचल प्रदेश में, सिपकीला हिमाचल प्रदेश में, काराकोरम दर्रा लद्दाख में है, जोजिला जिसमें जोजिला पार्क बना हुआ, जोजिला सुरंग बनी है जो लद्दाख में, इंपॉर्टेंट है जोजिला याद कर लीजिएगा, बाकी सारे इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। अगला है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया था, जो महात्मा गांधी जी थे वो यहाँ पर जो है पढ़कर जो है वापस आए थे भारत, ठीक है, इस दिन जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे, ठीक है, इसलिए मनाया जाता है। और ये कब से शुरुआत है, 2003 से इसको शुरुआत करा गया। ओके कौन सा धनायन है, अमोनिया क्लोराइड फ्लोराइड ब्रोमीन, तो इसमें जो है देखिए NH4, ठीक है, तो यहाँ पर अमोनिया, यहाँ पर देखिए ये जो है, ठीक है, ये क्या है यहाँ पर धनायन, ठीक है। ओके तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन करेंगे, लिएंडर पेस के पिता किस खेल संबंधित थे, तो लिएंडर पेस का जो पिता का नाम जो था बेस, देखिए बेसे पेस था, और ये किससे रिलेटेड थे, हॉकी से रिलेटेड थे, ठीक है। लिएंडर पेस जो है भारतीय टेनिस प्लेयर हैं जो कि मुंबई से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है समाचार पत्रों से या पत्रकारिता से जो रिलेटेड है, और साहित्य संगीत रचनाओं के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके उल्लेखनीय कार्य और उनके लिए प्रदान किया था, 1971 में प्रारंभ किया गया था पुलित्जर पुरस्कार, और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख ये पुरस्कार होता है। ओके न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा ये दिया जाता है। ओके पुलित्जर प्राइज वास्तुकला में विश्व स्तरीय उल्लेखनीय योगदान इसमें होता है। आगे देखेंगे धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर होता है, बहुत सिंपल नर्मदा नदी पर होता है। ये होता क्यों, क्योंकि इसका झरना जो होता है, जो जलप्रपात गिरता है वो एकदम से उसका फुवारा जो है बिल्कुल वाइट सफ़ेद कलर का दूधिया कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसको धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। अगला देखेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में, जो योजना में बीमा राशि जो आपको बतानी थी, तो प्रीमियम इसका होता है 330 रुपये प्रति वर्ष का होता है, और व्यक्ति के निधन के मामले में बीमा कंपनी जो होती है उनके ब्योरे ना जो नामित हुए व्यक्ति को देखिए 2 लाख रुपए का कवरेज जो है मिलता है, ठीक है। इसका आरंभ 9 मई 2015 को मोदी जी ने किया था, और कवरेज जो नियम है वो मृत्यु कवरेज या एक्सीडेंटल या सामान्य यहाँ पर ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें जो है इसमें ज़्यादा नहीं पूछी जाएंगी आपको, सिर्फ इसकी प्रीमियम आपसे पूछ ली गई है बस, और इससे ज़्यादा और इससे आपको डेट पूछ सकता है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है असम की जनजाति से एक प्रश्न था, तो देखिए असम में कौन कौन जनजाति है, असम बाहर नागालैंड की जनजाति आपको यहाँ पर देखनी है, डिमसा है, डिमसा गारो खांसी कुकी मिजो मिक्र नागा अबोर डफला मिशमी अपनीस सिंधो या अंगामी, तो ये देखिए कुछ है, देखिए डबला मिशी सिंधो मिजी मीरो कुकी, ठीक है, ये खांसी गारो, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन है धर्मराज रथ कहाँ पर है, धर्मराज रथ कहाँ पर है, तो महावलीपुरम में तमिलनाडु में, ये इन रथों के नाम जो नाम है देखिए धर्मराज, ओके भीम रथ अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ, ठीक है, रथों के नाम पूछ सकते हैं आपसे।
पांच पांडव रथों के ऐतिहासिक महत्व को दिखाते हुए यूनेस्को द्वारा इस स्थान को विश्व धरोहर जो है घोषित किया गया है। और महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण जो है पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वारा वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। ओके, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। ऊतक विज्ञान या ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 था, सितंबर 2020 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ? कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में और इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। पटयानी नृत्य किस राज्य से संबंधित? तो ये केरल संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है विद्युत रोधी से संबंधित एक प्रश्न था। तो देखिए, विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर पदार्थ होता है जो कि तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा का प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, रजिस्टर करता है। ठीक है, ओके, अगला देखेंगे। सेकेंड शिफ्ट आ गई है हमारी, कौन सी शिफ्ट आ गई है? सेकेंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट हमारी खत्म हो गई है, अब सेकेंड शिफ्ट आ गई है। विडाल टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है? तो ये टाइफाइड फीवर के लिए की जाती है। ठीक है, एलिसा टेस्ट जो होता है वो डायग्नोसिस किया जाता है एचआईवी और एड्स के लिए। ठीक है, और इलेक्ट्रोकार्डियोलॉजी ठीक कार्डियोग्राफी जो ईसीजी होती है वो हृदय की धड़कन की विद्युत गति को मापने की हम करते हैं। और ईईजी ठीक है, ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोफेलोग्राफ। ठीक है, तो ये मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि को संबंधित है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं, आपसे ये पूछा है विडाल टेस्ट, तो ये कि आपको इलासा टेस्ट भी पूछ सकते हैं, ईसीजी भी पूछ सकते हैं, EEG भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला है कौन सा सही सुमिलित नहीं है? आपको ये बताना था कौन सा इसमें सुमिलित सही है। अनुसूची 3 जो कि सपस रिलेटेड है, अनुसूची 1 जो कि राज्य और यूनाइटेड जो आपकी केंद्र शासित प्रदेश से है, या अनुसूची 4 जो कि राज्यसभा प्रतिनिधित्व संबंधित, या अनुसूची 2 जो कि 22 भाषाओं से संबंधित है। तो यहाँ पर सुमिलित करनी थी, तो ऑप्शन डी जो है अनुसूची 2 जो है इससे संबंधित नहीं है भाषाओं से, जो कि द्वितीय अनुसूची जो है इनमें से भारत राज्य और व्यवस्था से विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते और पेंशन से उल्लेख यहाँ पर इसमें उल्लेख होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन आएगा डी, बाकी सारे सही हैं, डी ऑप्शन गलत था। आगे देखेंगे खनवा का युद्ध कब हुआ? तो ये 1527 में हुआ, 16 मार्च 1527 में हुआ, बाबर इसमें विजय हुआ था, मेवाड़ राणा सांगा जो है इसके मध्य इसमें युद्ध हुआ था। आगे बढ़ेंगे 1857 की क्रांति से कौन संबंधित नहीं है? इन संबंधित ऑप्शन आपके पास हैं, तो देखिए कुंवर सिंह, भगत सिंह ठीक है, बेगम हजरत महल, मंगल पांडे। तो 57 मंगल पांडे के नाम से तो आप बिल्कुल हैं ही। ठीक है, तो बेगम हजरत जो है लखनऊ से थी, ठीक है, उन्होंने जो है इसमें सपोर्ट किया। ओके, मंगल पांडे बैरकपुर से यहाँ से जो है इसमें लड़ रहे थे, कुंवर सिंह बिहार से लड़ रहे थे और नाना साहब कानपुर से लड़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भगत सिंह जो है यहाँ पर आपका आंसर होगा सही। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आएगा ICCI 2019 स्प्रिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे दिया गया? तो विराट कोहली को दिया गया ICC ODI एंड टेस्ट टीम में 2019 में ये कप्तान के लिए दिया गया था। और अगर बात करें अदर अवार्ड्स की बात करें, उस ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा को दिया गया, T20 परफॉर्मेंस ऑफ दीपक चहर को दिया गया, सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी दिया गया वेन स्टोक को, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया पैट कमिंग्स को, एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द ईयर दिया गया काइल कोइजर को। ठीक है, अगला देखेंगे कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है, और 1849 में श्रलाइनडेन और स्वाइन ने कोशिका का सिद्धांत जो था प्रस्तुत किया था। ये ध्यान रखिएगा, कभी पूछ लिया जाए कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं, अभी पढ़ा था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, इसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, कोशिका केंद्र यानी न्यूक्लियस की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन जो 1831 में इसमें की थी। अगला देखेंगे CAG किस अनुच्छेद में है, यानी कि भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक एक जो है अधिकारी होते हैं। ठीक है, इसका जो किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया, तो उल्लेख किया गया अनुच्छेद नंबर 148 में। ठीक है, देखिए वर्तमान में अगर बात करें जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं वो हैं राजीव महर्षि। कौन है? राजीव महर्षि। ठीक है,
अगला बात करें पानी की कठोरता को दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं Na2CA3, ठीक है ओके। इसे हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, अगर हम बात करें इसके अगले बात करें, ब्लीचिंग पाउडर से अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर पानी को पीने योग्य जो है बनाने के लिए कीटाणु रहित भी बनाया जाता है। बहुत बड़ी बड़ी जगह पर इसका यूज़ किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का बाइकार्बोनेट। अगला देखेंगे ओके, इसको हम फिटकरी भी बोलते हैं, ठीक है फिटकरी हिंदी में बोलते हैं, बहुत सारे लोग इससे अवगत होंगे। किस झील में तैरता हुआ डाकघर है, तो भैया जम्मू एंड कश्मीर में एक झील है जिसका नाम है डल झील, यहाँ पर जो है तैरता हुआ डाकघर है। पहले इस पोस्ट ऑफिस का नाम जो था नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस था, लेकिन 2011 में तत्कालीन चीफ पोस्ट मास्टर जॉन सेम्यूल ने इसका नाम जो है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस रखवाया, ठीक है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है, अगर आप बात करें फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये केबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है मणिपुर में, ठीक है ओके। फ्लोटिंग पार्क, ठीक है ये आपको याद रखना है ओके। फ्लोटिंग बास्केटबॉल पार्क अगर पूछ ले हैं, तो वो महाराष्ट्र में मुंबई में, ठीक है ओके। पटकई बूम की पहाड़ियाँ भारत में किस भाग में हैं, किस भाग में है, तो ये पूर्वोत्तर में है, पूर्वोत्तर में बर्मा के साथ लगी हुई अंतर्राष्ट्रीय समावर्ती क्षेत्र में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, इस श्रृंखला का नाम इनसे कहते हैं, ठीक है पूर्वोत्तर में से इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है पंजाब और बंगाल में कौन सा मार्शल आर्ट जो होता है वो प्रचलित है, तो यहाँ पर लाठी होगा। और देखिए सबसे पुराना भारत का जो मार्शल आर्ट है वो कलरीपयट्टू जो कि केरल का है, उसके बाद थांग टा जो है मणिपुर का है, सिलुम्बम तमिलनाडु का, इम्बाउन कुश्ती जो है मिजोरम का है, परीखंडा जो है बिहार का है, मर्दानी आया था एग्ज़ाम में भी महाराष्ट्र में का है, मुष्टियुद्ध जो कि वाराणसी का है, गतका जो है पंजाब का है, थोड़ा ये एग्ज़ाम में आरआरबी पूछा गया था, ये जी हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। नदी का मीठा पानी जब समुद्र के खारे पानी से मिलता है तो उस जगह को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मुहाना, ठीक है मुहाना कहते हैं एस्टुरी, ठीक है एस्टुरी एस्टुरी कहते हैं, ठीक है क्या कहते हैं एस्टुरी कहते हैं, मुहाना कहते हैं उसे, ठीक है। और गोतवाया राजपक्षी राष्ट्रीयता क्या है, की राष्ट्रीयता क्या है, तो ये श्रीलंकाई हैं भाई, ठीक है श्रीलंका के हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है, इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट पहली शिफ्ट पहला एग्जाम में ही आ गया था, तो इसको बताना है आपको, राजपक्षे से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये बताना है क्या कौन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ पर हुआ, तो ये सेकेंड टाइम क्वेश्चन है, गुवाहाटी असम में हुआ था, 2019 में हुआ था जो कि पुणे में हुआ था महाराष्ट्र में, और फर्स्ट जो हुआ था महाराष्ट्र में, सेकेंड देखिए फर्स्ट स्थान पर कौन था भाई, खेलो महाराष्ट्र था, सेकेंड हरियाणा था, थर्ड पर दिल्ली था, ठीक है ओके। आंध्र केसरी के नाम पर कौन जाना जाता है, तो ये टंगुटूरी प्रकाशम जो है आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, इनके नाम पर ये जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तीसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, बहुत सिंपल 1932 में 17 नंबर को हुआ था, पहला जो होता 1930 में हुआ था, ठीक है दूसरा हुआ 1931 में हुआ, आखिरी में लंदन में आयोजित हुआ, लंदन में सेकेंड वाला हुआ था, ठीक है। तीसरा सम्मेलन जो हुआ था ये कॉलेज छात्र जो है चौधरी रमन अली ने जिसका विभाजित भारत के मुस्लिम भाग का नाम जो है पाकिस्तान रखा था, जिसका अर्थ है पवित्र भूमि, ठीक है इसका मतलब जो है सेकेंड वाला ओके। अगला क्वेश्चन अपराहन, ठीक है अपराहन इंडियन नेवी अपराहन, ठीक है मतलब हिंदी में इंग्लिश में किडनैप बोलेंगे ओके। युद्ध अभ्यास से संबंधित एक प्रश्न था, ठीक है जो तो इम्पोर्टेंट है, देखिए ठीक है एक एक्सरसाइज होती है एंटी हैकिंग एक्सरसाइज, ठीक है तो ये याद करिएगा, इतनी भी एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी डाल रखी हैं। आगे देखेंगे 107वां विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था, तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस जो है वो बेंगलोर में हुआ था कर्नाटक में, 3-7 जनवरी चला 2020 में, ठीक है। थीम की बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है ओके। आगे बढ़ेंगे चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है, चिकन पॉक्स होता है देखिए ये, अरे एक मिनट, ठीक है जो होता है वेरिसेला
जोस्टर वायरस, वेली सलाह जोस्टर वायरस। कोविड भी पूछ लिया आपको बताया, ठीक है, कोविड-19, ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा ही ऑलरेडी, तो ये भी पूछ सकते हैं। ओके, मच्छकट्टी कम की रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार कौन है, महाराजा शुद्रक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है। ओके, 21 क्वेश्चन, इनमें से किसको 2019 में अर्जुन अवार्ड नहीं मिला, अर्जुन अवार्ड किसको नहीं मिला, बाकी देखिए, पूनम यादव को, स्वपन्ना वर्मन को, रविंद्र जडेजा को, और इनको मिला है, लेकिन मार्जनवान पटेल को नहीं मिला, ठीक है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता में से बहुत लोग हैं, बहुत सारे नाम आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है सर्च कर लीजिएगा, बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, थर्ड शिफ्ट आपको दिख जाएगी ये, ठीक है, थर्ड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट में मध्य प्रदेश की सीमा किन राज्यों से लगती है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। पूर्व उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, ठीक है, दक्षिण में जो है महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात और उत्तर और राजस्थान, ठीक है। और आपसे सेकंड क्वेश्चन था, द ग्रेट इंडियन नोवल उपन्यास किसने लिखा, थरी जो शशि थरूर ने लिखा, किसने, शशि थरूर ने लिखा। अगला क्वेश्चन है, राम सर कन्वेक्शन किससे संबंधित है, तो रामसर कन्वेक्शन जो है नम भूमि के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। ओके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इन्होंने किया, अंतर्राष्ट्रीय संधि है ये, और इसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए बनाया गया था, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, ये पोटो प्रोटोकॉल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे से निपटने के लिए और ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करने के लिए जो है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था। ओके, नागोया प्रोटोकॉल पूछे तो जैव विविधता के लिए किया गया था, ये प्रोटोकॉल कुछ पूछ लिए आते हैं आपसे कभी कभी। ओके, धोनी की चाल जो है कितनी होती है, धोनी की चाल होती है 343 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, किसमें, एट 20 डिग्री सेल्सियस पर, आपसे पूछा था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, बाजार पूंजीकरण में 10 लाख रुपए को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है, तो ये क्वेश्चन बहुत है, टॉप 10 में आ गई है ये कंपनी, टॉप 10 इंडियन में, ये बहुत ज़्यादा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आ गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा, राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो देखिए, ये अनुच्छेद नंबर 165 में है, ठीक है, और ये राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, और राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होते हैं, ठीक है, और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रयास पर दे कार्य करता है, और भारत के महान्यायवादी यानी कि अटोर्नी जनरल जो है वो अनुच्छेद 76 के की नियुक्ति भारत जो भारत इनके जो राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, टोर इस किसकी इकाई है, टोर जो है दाब की इकाई है, और दाब की इकाई होती है टीपी भी होती है और बार भी होती है यानी कि पास्कल भी होती है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रोपोन में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है, तो प्रोपोन में कार्बन और हाइड्रोजन का, तो कार्बन 3, ठीक है, हाइड्रोजन 8, ठीक है। अगला देखेंगे, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम, ग्रीस चंद्र मुर्मू, बहुत सिंपल, लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर, ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। अशोक के शिलालेख एरागुडू कहाँ पर स्थित है, तो ये अशोक के शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में स्थित है, और बहुत सारे शिलालेख हैं, तो ये आप पढ़िएगा जरूर। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी की जन 2020 में कलकत्ता की 2 दिवसीय यात्रा में कौन सा कार्य या फिर उद्घाटन इसमें से नहीं किया था, तो कौन कौन से किए थे, तो कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट जो है 150 वर्षगांठ में मौके पर आयोजन समारोह में शामिल हुए, ठीक है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट में बर्तमान में एवं सेवा निवृत्ति कर्मचारियों को पेंशन फंड जो है इसके लिए 501 जो है करोड़ जो है रुपए की जो है भेंट करी, प्रधानमंत्री कोलकाता में 4 धरोहर इमारतों को राष्ट्र को समर्पित करें, इन इमारतों में पुराना करेंसी बिल्डिंग बेल्वेडेरे हाउस, मेटकॉक हाउस और विक्टोरिया मेमोरियल हाउस शामिल था, तो इसमें से कौन सा आंसर नहीं था वही आपका आंसर होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद के जयंती मनाया जाता है। 14वां था, भारत का राजकीय प्रतीक में कौन सा जानवर, बहुत सिंपल है, ऊंट है, देखिए
राजकीय पक्ष अगर जानवर की बात करें तो देखिए अशोक, अशोक चिन्ह है। देखिए अशोक चिन्ह में भारत का प्रति राजकीय प्रति ऊँट नहीं है, शेर होगा, ठीक है, बाघ हुआ, ठीक है, ओके, अशोक चिन्ह है, ओके, बाघ है। मूल रूप से इनके चार 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 शेर हैं और चारों से मतलब सिरे हैं, चारों चारों दिशाओं में की ओर मुंह किए हुए हैं, ठीक है, और इनमें इसके नीचे एक गोला आधार का जिसकी जिस जिस पर एक हाथी है और एक एक दौड़ता घोड़ा है और एक सांड और एक सी एक सिंह है, ठीक है। तो इन इसको जो है अगर हम बात करें कहाँ से मिले तो ये सरनाथ में जो है मिला है, जशोक लाट से लिया गया है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ऊँट नहीं है भाई, वो बाघ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एस डी जी इंडिया इंडेक्स पर एक सवाल जो था वो था कौन इससे जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग जो है 30 दिसंबर 2019 को सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जो यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया जो है कि दूसरे संस्करण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों प्रदेशों के प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट जारी की है। पिछले वर्ष ही की थी इसकी तरह, और इस बार भी केरल इस सूची में प्रथम रहा, ठीक है, पहले केरल रहा था इस पर, और बिहार जो इस सूची में सबसे नीचे स्थान पर रहा। पाकिस्तान की राजधानी बहुत सिंपल इस्लामाबाद है। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य और संबंधी लोक नृत्य का किस सम्मिलित इसे सम्मिलित करना था, तो ये यहाँ पर आएगा, ऑप्शन यहाँ पर आएगा, तो यक्षगान योकी डांस कर्नाटक, ऑप्शन यहाँ पर था यक्षगान ऑप्शन डांस, ठीक है, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, मेक इंडिया किस मंत्रालय की पहल है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यहाँ पर आती है। तो ये लॉन्च हुई थी 2014 में, इसको की गई थी, ठीक है, तो 25 सितंबर को, इसे जो मॉनिटर करते हैं वो पीयूष गोयल करते हैं, ठीक है, रेलवे को जैसे करते हैं इसको भी करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी जो है बाहरी परत कौन सी है, तो क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट है, ऊपर पट्टी होती है, फिर उसके बाद ये वाली आती है, तीन होती है, क्रस्ट क्रोण होती है, ठीक है, ये तीन होती हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन थे, ये हमने देखे यहाँ पर, क्वेश्चन यहाँ पर लगभग हमने करे। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, जितने क्वेश्चन रह गए उन क्वेश्चन के लिए आप शेयर कर सकते, आप इस वीडियो को शेयर करिएगा और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड कल की अगर जिसका भी एग्ज़ाम है तो मुझे आप जो है पोल कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर नाम है ऑनलाइन फ्री स्टडी, ठीक है, ऑनलाइन फ्री स्टडी पर जाकर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब किए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।